गुड इवनिंग। आज लोग हम लोग ये समझेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी पर कैसे आपका न्यूमेरिकल सेट होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी का आप ये जानते हैं फॉर्मूला, पोटेंशियल एनर्जी का अधिकतर पी से डिनोट कर लीजिए, चाहे ई लिखिए या ना लिखिए हो तो आपको पर डिपेंड करता है। पी लिखिए चाहे वो लिपि लिख दीजिए। पोटेंशियल एनर्जी में क्या आता है, mgs मास विद द ग्रेविटी ऑफ हाइट, मास विद द ग्रेविटी ऑफ हाइट, ठीक है, इसको हम पोटेंशियल एनर्जी कह देते हैं। और एक चीज और लगाओ, यदि यहाँ से चार्ज आओ बट f इक्वल टू ऐसे लिखो v नो स्पिन हमला होता है mg को क्या f भी बोलते हैं ना, तो ये चाहो इसमें पुट कर सकती हो ना, पुटिंग इन वन तो p इक्वल टू कितना जाएगा यहाँ पे fh, क्या जाएगा fh। तो इस तरह से हम यहाँ पे हाइट में पूछ सकता है, तो p अपॉन पोटेंशियल एनर्जी या अपॉन ये इक्वल टू h, इस तरह से न्यूमेरिकल पे भी पूछ सकता है। आगे बस में न्यूमेरिकल इतने पे क्या थे माइंड फाइंड आउट कीजिए। तो अभी तो नॉर्मली इस तरह पूछ लेगा, कभी कभी इस तरह घुमा के भी पूछता है, तो न्यूमेरिकल इसके बेस पे लगाया जाता है। ठीक, तो सपोज करो मैं इस पे बता दे रहा हूँ कि गिवन न्यूमेरिकल में दे रखा है कि यम की वैल्यू 2.5 kg, ठीक, और जी की वैल्यू ऑलरेडी वो सब ब्रैकेट में करके दिए रहते हैं 8.0 m/s² ठीक है, और हाइट दे रखा है आपका सपोज करो 0.5 meter, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, पोटेंशियल एनर्जी तो यहाँ पे लिखो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू एम जी एच, एम की वैल्यू कितना हो गया 2.5 kg, यहाँ पे यूनिट नहीं लिखते हैं बीच में, और देखो जी की वैल्यू कितना हो गया 9.80 आई टू एच की वैल्यू कितना हो गया 0.5 की इस तरह ले सकती हो आधा, ठीक है, इसको लिखो आप लिख सकते हो। ठीक, अब इसका एलसीएम कर दो, ऐसे देखो 2.5 × 2 तो 2 × 4 = 8, 1 × 2 = 9, 18 हो जाएगा, ठीक है, 0.25 मतलब 2.5 में इतना सिंपलीफाई कर दो जो आएगा वही यूनिट में हो जाएगा जून के साथ। हमेशा ऑलवेज कोई भी एनर्जी हुआ उसमें एनर्जी की यूनिट क्या होता है, जून होता है, ठीक है। और यहाँ से भी देख लो, जैसे यहाँ पे मैक्सिमम हाइट फाइंड आउट करो सिंपली पे, यस आपको फाइंड आउट करना है कि मैक्सिमम हाइट कितना है, ठीक है, मैक्स या मैक्स मैक्सिमम लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक पोटेंशियल एनर्जी दे रखा है, सपोज करो 12 जूल दे रखा है, और यहाँ पे फोर्स दे दिया डायरेक्ट 4 मान लो 0 हो गया ये न्यूटन, तो तुम सोचो कि कहेगा कि यार हाइट निकालना है, और यहाँ पे यक पी दे रखा है, यक दे रखा है, हाँ, जब इसमें क्या आता है यम जी एच होता है, सोचोगे ना देखो कि एरर होने लगेगा, लेकिन यही सब जब जान जाओगी वो यम जी को यक कहते हैं तो इसे निकाल सकते हो डायरेक्ट। तो यहाँ बताओ यच इक्वल टू क्या लिख सकती हो p/f, तो यच पी को कितना क्या 12 आई हो गया यक को 4.0 यानी 4 × 3 = 12 यानी 3 meter हाइट हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है। तो इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकती हो, और अगला जो इस तरह से दे रखा है इसको सॉल्व कर लीजिए कि यहाँ पर एफ की वैल्यू 2.5 newton और यहाँ पर पी आपका है 6.25 यस फाइंड आउट समझ लीजिए, ठीक है। तो आशा करता हूँ समझ में आया होगा, और लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, अपने यार दोस्तों से करते रहिए, धन्यवाद।